नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत इस स्पेशल रिहर्सल सेशन में, जिसमें कि हम कवर करेंगे वोटर टर्नआउट, पोल डे के दिन टू आवरली रिपोर्ट जो हम कन्वे करते हैं, और उसको हमने जो कन्वे करना है, एक तो आपको कंट्रोल रूम से फोन्स आएंगे इस वोटर टर्नआउट को नोट करने के लिए, और दूसरा आप इसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करोगे HPP DMS ऐप के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसका रिकॉर्डिंग प्रोसीजर समझ लेते हैं कि जो वोटर टर्नआउट जो पोल डे के दिन हम 2 घंटे की रिपोर्ट देते हैं, तो वो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब आपकी 9 बजे की रिपोर्ट जाएगी 11 बजे की, तो 2 आवरली में आपने जो है वो 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, शुरू से लेके एंड तक, जब भी जो भी रिपोर्टिंग टाइम है तब तक जो टोटल आपका वोटर टर्नआउट है वो आपने देना है। 2 घंटों का अलग से जो आपने देना होता है वो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में देते हो, जहाँ पे कि आपका 7 से 9 बजे का अलग से आएगा, उस दौरान कितने वोट पड़े आपके, 9 से 11 बजे तक 2 घंटों में अलग से कितने पड़े, वहाँ पर वो अलग अलग से आएंगे। लेकिन जो वोटर टर्नआउट जो आपको कंट्रोल रूम से पूछा जाएगा फ़ोन के ज़रिए, या फिर HPP DMS में जो आप वोटर टर्नआउट डिसेमिनेट करोगे, कन्वे करोगे, वहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव देना है 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, और उसके बाद फाइनल वोटर टर्नआउट। तो उसके करने के लिए आप जो अपनी सहूलियत के लिए मेल, फीमेल, और अगर थर्ड जेंडर आपके कंस्टिट्यूएंसी में है तो आप थर्ड जेंडर के लिए एक रो बना सकते हो, और जैसे जैसे आपके मेल फीमेल आते जाएंगे वैसे वैसे आप उनको कट करते जाओगे। और सपोज़ 9 बजे आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है, अब इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि जो आपके कंट्रोल रूम्स हैं वो 9 बजे से पहले ही आपकी रिपोर्ट लेना शुरू कर देंगे, 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले कभी भी। तो जब भी आपको कॉल आए तो आपने वहाँ पर इरिटेट नहीं होना है कि अभी तो 9 बजे नहीं और हमसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, उनको सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेनी होती है इतने सारे पोलिंग स्टेशन में, तो वो थोड़ा एडवांस चलते हैं। तो जब भी आपको फ़ोन आएगा तो आपने जो भी मेल फीमेल थर्ड जेंडर का जो कट चला होगा वहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है और वहाँ पे 9 AM लिख देना है, चाहे वो आपसे 8:40 पे ही पूछ ली गई है, करेंगे और आप उस रिपोर्ट को लिख लेंगे कि 9 बजे की मेरी रिपोर्ट ये है। फिर जो भी आपसे पूछेगा, चाहे 9 बजे पूछे या फिर आप HPP DMS ऐप में जब फीड करोगे, तो एक बार जब आपने कन्वे कर दी तो उसको आप फाइनल कर लेंगे। वो आपकी 9 बजे से पहले भी हो सकती है, कोई फ़ोन हो सकता है कि आपको 9 बजे के बाद भी आए, लेकिन जब भी आपको, आपने एक बार वो मार्क कर दी तो उसको आपने 9 बजे की रिपोर्ट मांग के फिर चलते रहना है। तो वैसे ही मान लीजिए 11 बजे तक आपके जो थे वो, जैसे पहले 9 बजे तक आपके 14 और 7 पे आपने क्रॉस कर दिया था, वैसे ही 11 AM की रिपोर्ट में आपने 26 पे अंडरलाइन कर दिया मेल को, और फीमेल को आपने 18 पे कर दिया, तो आपकी 11 बजे की रिपोर्ट बन गई 26, टोटल चल रहे हैं वो 26, 18, ट्रांसजेंडर कोई नहीं है, टोटल 44। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि जब आपको फ़ोन के ज़रिए कोई पूछेंगे तो आपसे वो मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर और टोटल पूछते हैं वो साथ में, लेकिन HPP DMS ऐप में आपने सिर्फ मेल, फीमेल, और वहाँ पर आपको लिखा रहेगा TG, तो TG वहाँ पर आपने उसको टोटल लेके नहीं चलना है, वो आपका थर्ड जेंडर होता है। तो अगर थर्ड जेंडर कोई है तो वो भी बता दें, लेकिन उस वक्त आपने मेल, फीमेल, टोटल नहीं बताना है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर HPP DMS ऐप में भरोगे, टोटल वो खुद कर लेती है ऐप। तो पिछले इलेक्शंस में ये हमें प्रॉब्लम आई थी कि लोग जो थे वो PDMS के थ्रू, ऐप के थ्रू जब वो कन्वे कर रहे थे तो मेल, फीमेल और वो टोटल वहाँ पे कर दे रहे थे, लेकिन जो PDMS ऐप है वो उस टोटल को थर्ड जेंडर ले रही थी। तो आपने वहाँ पर मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर भरना है, ना कि मेल, फीमेल, टोटल। तो अब हम आ जाते हैं HPP DMS ऐप
जिसको कि कहा जाता है पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये पोल डे नहीं, पोल डे से पहले से ही इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, और पोल के जब मतलब जब आप डिपार्ट करते हो पोलिंग स्टेशन के लिए, वहाँ से लेके तो आप जब कलेक्शन सेंटर में दोबारा पहुँचते हो वहाँ तक सारी की सारी जो इवेंट्स हैं वो इसमें आपने कन्वे करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फिलहाल ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ पर भी आप जाएंगे, जिस भी अपने हेडक्वार्टर में नेक्स्ट आप रिहर्सल के दिन, तो वहाँ पर वो आपको एक APK फाइल सेंड करेंगे, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाए होंगे तो APK फाइल वहाँ पर होगी, PDMSApp.APK या ऐसे ही कुछ भी वर्जन 2.0 ऐसे कुछ भी, वो उस दिन हमें पता लगेगा कि वो फाइनल कौन सा वर्जन हमें भेजते हैं। आप उसके ऊपर APK फाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से आपको कुछ वार्निंग देगा कि ये आपका, क्योंकि प्ले स्टोर वेरीफाइड नहीं है तो ये कहेगा कि ये आपका रिलायबल सोर्स नहीं है, तो आपने इसको किसी भी तरह से परमिट करना है, ओपन इसको कर देना है। जैसे ही आप ओपन दबाओगे तो ये बोलेगा इंस्टॉल, तो आपने इंस्टॉल के ऊपर इसको करना है और वो आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप प्रेस करोगे ओपन, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उन्होंने आपको पासवर्ड वहाँ पर कोई दिया होगा तब तो आप कर लेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे यूज़र नेम की जगह आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, वो ये मोबाइल नंबर वही उठाएगा जो आपने वहाँ पर दर्ज किया होगा, जो मोबाइल नंबर आपका आपके पर्टिकुलर जो रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर है वहाँ की IT टीम ने आपका नंबर रजिस्टर किया होगा, तो आप उसको भरेंगे और फिर आप आ जाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड पे। फॉरगॉट पासवर्ड पे जाने के बाद ये मोबाइल नंबर फिर से मांगेगा और उसके बाद सेंड OTP करेगा, आपको OTP आएगा, आप OTP एंटर करोगे, नया पासवर्ड भरोगे जिसमें कि आपने छोटे और बड़े आपने लेटर्स लेने हैं कॉम्बिनेशन में और एक आधा स्पेशल करेक्टर, और इस तरह से कंफर्म पासवर्ड, और आप कर देंगे चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड करने के बाद आप फिर से अपना यूज़र नेम जो कि आपका मोबाइल होगा और इसमें आप डालोगे पासवर्ड, और साइन इन जैसे ही करेंगे तो आप इसके होम पेज पे यहाँ पर पहुँच जाओगे ऐप के। अभी आप नीचे देख रहे हो प्री पोल डे रिपोर्टिंग, पोल डे से पहले की ये रिपोर्टिंग है, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे इस वाले पेज पे। तो सबसे पहले पे आप क्लिक करोगे EVM एंड पोल मटेरियल रिसीव, जिस दिन आपको सामान मिलेगा तो उसकी भी रिपोर्टिंग आपको करनी है। आप बोलोगे यस, कन्फर्मेशन मांगेगा। जैसे जैसे आपके ये रिपोर्ट्स चलती जाएंगी तो ये जो आपका इनके जो बटन्स हैं वो ग्रीन होते जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट रिपोर्टिंग आएगी डिपार्चर फॉर पोलिंग स्टेशन की, आप चल पड़े, उसको भी आप कंफर्म करोगे। उसके बाद सेफ अराइवल एट पोलिंग स्टेशन, सारी की सारी आप कंफर्मेशन मांगेगा, आपने यस करते जाना है जैसे जैसे आप जो जो इवेंट होते जाएंगे। फिर उसके बाद सेटिंग आप कि आपने पोलिंग स्टेशन सेट कर लिया है, कर लिया है यस। जैसे जैसे इवेंट होते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे ही आपका ये प्री पोल डे ख़त्म हो जाएगा तो आप फिर से होम पेज पे वापस आ जाओगे। प्री पोल डे रिपोर्टिंग आपकी अब ग्रीन हो चुकी है, इट मीन्स वो कंप्लीट है। उसके बाद आप आ जाएंगे पोल डे रिपोर्टिंग पे, यहाँ पर आपका सबसे पहला आएगा मॉक पोल रिपोर्ट आएगी, तो वहाँ पर वो मांगेगा आपसे कि मॉक पोल का अपना एक मेन्यू खुलेगा जिसमें कि आपकी दो चार ही ऑप्शंस रहेंगे। मॉक पोल स्टार्टेड तो ये बोलेगा कितने नंबर ऑफ एजेंट्स वहाँ पे थे, सेंड करोगे इसको यस। उसके बाद अगर मान लीजिए नॉन फंक्शनिंग होती है किसी कंपोनेंट की तो आप करेंगे नॉट वर्किंग और सेंड कर देंगे यस। उसके बाद अगर नॉन आपकी फंक्शनल हुई है तो उसकी रिप्लेसमेंट भी होगी, तो आपको रिप्लेसमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा कि ठीक है रिप्लेसमेंट हो गई यस ओके। और उसके बाद आपके मॉक पोल के बाद आपने EVM रिसेट की और VVPAT स्लिप्स निकाली कि नहीं निकाली, जैसे वो आप कर लेंगे तो ये वाली आप रिपोर्ट वहाँ पे भेजोगे कंफर्मेशन यस। और उसके बाद आप आ जाएंगे अगली रिपोर्ट पे, मॉक पोल जो रिपोर्ट है उसके आपके सारे के सारे जो रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट होगी, इसलिए वो आपकी ग्रीन हो चुकी है। उसके बाद आप नेक्स्ट इवेंट पे आओगे पोल स्टार्टेड कन्फर्म
यस। उसके बाद जो आपकी मेन जो चीज़ है वोटर टर्नआउट, जिसके लिए इस ऐप को बनाया गया है, 2 आवर्स रिपोर्ट। तो 2 आवर्स रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो पहले आ जाएगी 9 AM रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि यहाँ पर आएंगे मेल वोट्स पोल्ड 15, फीमेल थर्ड जेंडर वोट्स पोल्ड, यहाँ पर आपने टोटल नहीं भरना है, ये ध्यान रखना, 15, 16 और मान लीजिए 0, और इसको आप सबमिट कर देंगे, यस 9 बजे की रिपोर्ट आपकी कंप्लीट होगी। 11 बजे की रिपोर्ट, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो आपने 9 बजे की पहली रिपोर्ट भेजी होगी वो आपको ऊपर शो हो जाएगी कि पहले आप क्या भेज चुके हो। अगर कहीं आप इससे कम करोगे तो यहाँ पे ये वैलिडेशन लगाएगा और आपको एरर मैसेज देगा कि जो पहले वोट हो चुके हैं उससे तो कम हो नहीं सकते। तो यहाँ से फिर से आपने मेल फीमेल, और उसके बाद इसी तरह से मान लीजिए बीच में आपका पोल इंटरप्शन हो जाती है, ठीक है, तो अभी हम 2 आवरली रिपोर्ट हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, हम बीच में पोल इंटरप्शन, तो हम बैक आके पोल इंटरप्टेड पे क्लिक करेंगे, वो बोल देंगे कि EVM में हमारा इशू आ गया, और क्या आया कि नॉट वर्किंग, यस, तो आपका पोल इंटरप्शन होगी। अब पोल इंटरप्टेड है तो वो तब तक आपका वो नहीं होगा जब तक कि आपकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, तो जब आपकी वो समस्या रिजॉल्व हो गई तो आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड का मैसेज भेजना पड़ेगा, रिप्लेस्ड, रिमार्क में लिख दिया आपने कि रिप्लेस हो गई मेरी मशीन, करोगे और वो सक्सेस हो गया। उसके बाद आप बैक अपनी 2 आवरली रिपोर्टिंग पे आ जाओगे, और आप उसी तरह से 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे की रिपोर्ट वहाँ पे सेंड करेंगे, और लास्ट में आप फिर से एक और रिपोर्ट भेजोगे कि जब आपका पोल एंड टाइम था, पोल क्लोज टाइम था, उस वक्त कोई क्यू में तो नहीं है, तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि 0। उसके बाद लास्ट में आपकी फाइनल वोटर टर्नआउट रिपोर्ट आएगी, जिसमें कि सपोज आपके टोटल हो गए मेल 200, फीमेल 250 और थर्ड जेंडर 0। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेल फीमेल थर्ड जेंडर यहाँ पर देना है आपने, जो फ़ोन के थ्रू पूछेंगे हो सकता है कि वो, क्योंकि यहाँ पे टोटल खुद होगा, वहाँ पर वो जो लोग हैं वो आपके मेल फीमेल को टैली करने के लिए वो टोटल भी लेते हैं, ताकि वो क्रॉस वेरीफाई हो सकें कि कहीं आपने कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखवाई है। और इसके बाद आपकी ये रिपोर्ट भी पोल डे वाली खत्म हो गई। उसके बाद पोस्ट पोल डे रिपोर्टिंग, सबसे पहले सेफ अराइवल एट रिसीविंग सेंटर हो गई, यस, EVM एंड पोल मटेरियल डिपॉजिटेड, यस, और आप फिर से बैक आ जाओगे अपने होम पेज पे, और आपकी सारी की सारी जो रिपोर्टिंग्स के बटन है वो ग्रीन हो चुके हैं, मींस आपका सारा जो काम है वो खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ धन्यवाद आज के इस छोटे से ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें कि हमने कवर किया HPP DMS ऐप को, जिसके थ्रू आप प्री पोल डे, पोल डे और पोस्ट पोल डे की डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स की रिपोर्टिंग करेंगे टाइम टू टाइम, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी दैट विल बी 2 आवरली वोटर टर्नआउट ऑन द डे ऑफ पोल, और उसका हमें आपको बताया है कि वो जो आपकी 2 घंटे की रिपोर्ट है वो क्यूमुलेटिव जाएगी 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक। तो इसी के साथ एक बार फिर से आपके सफल चुनाव अभियान के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ, थैंक यू।